इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे एक 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला जा सकता है यूजिंग अ वेरी सिंपल शॉर्टकट इन जस्ट अ फ्यू सेकंड्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं रेगुलर मेथड जिससे कि हम एक 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं और फिर कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स में सजाते हैं ऑन द पोजीशंस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एंड फिर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं। तो लेट्स से यहां हम एक मैट्रिक्स लिए हैं 1-2-3-4, इसका हमको एडजॉइंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे सबसे पहले। नाउ द कोफैक्टर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज बिलोंगिंग टू द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज कैपिटल A11। कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है -1 to the power i + j, दैट इज -1 to the power रो नंबर प्लस कॉलम नंबर ऑफ द एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय द माइनर ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का माइनर हमको मिलता है उसका रो और कॉलम को छुपाने से जो एलिमेंट बच जाता है दैट इज द माइनर। तो यहां पे अगर 1 का रो और कॉलम को हम हाइड कर दें तो हमको मिलेगा 4। सो कैपिटल A11 द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट इन द फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इज इक्वल टू -1 to the power 1 + 1 रो नंबर 1 प्लस कॉलम नंबर ऑल्सो 1 मल्टीप्लाइड बाय द माइनर ऑफ 1 विच इज 4, वो एलिमेंट जो रह जाएगा जब हम 1 का रो और कॉलम को हाइड कर देंगे। सो इसका आंसर आएगा 4 बिकॉज -1 to the power 1 + 1 इज -1 square दैट इज 1। सिमिलरली A12 कैपिटल A12 दैट इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट इन द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दैट विल बी इक्वल टू -1 to the power 1 + 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर इज 2 मल्टीप्लाइड बाय द माइनर। अगर आप -2 का रो और कॉलम को छुपा देते हैं तो हमको सिर्फ मिलता है -3। अगर हम -2 का रो और कॉलम को छुपा देते हैं तो रह जाता है -3। तो यहां पे -3 को पुट करेंगे, -1 to the power 1 + 2 इज -1 to the power 3 दैट इज -1 एंड -1 into -3 इज +3। सिमिलरली कैपिटल A21 द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट इन द सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये होगा -1 to the power 2 प्लस कॉलम इज द फर्स्ट कॉलम तो 1 -1 to the power 2 + 1 मल्टीप्लाइड बाय अगर -3 का रो और कॉलम को हम हाइड कर देंगे तो रह जाएगा -2। सो दिस मल्टीप्लाइड बाय -2 द आंसर इज 2 एंड देन कैपिटल A22 दैट इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट इन द सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर अगर इस एलिमेंट का रो और कॉलम को हाइड कर देंगे तो रह जाता है 1। सो वी हैव -1 to the power 2 + 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 to the power 2 + 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इसका आंसर आएगा 1 बिकॉज दिस इज -1 to the power 4 दैट इज +1। अब हम कोफैक्टर्स को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के प्लेस में अरेंज करेंगे। सो फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर 4, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो 3, थर्ड एलिमेंट दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो 2 एंड द लास्ट एलिमेंट दैट इज द एलिमेंट इन द सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो उसके जगह पे 1 और इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे देन वी गेट द 4-2 इज द फर्स्ट कॉलम सो दैट बिकम्स द फर्स्ट रो एंड 3-1 इज द सेकेंड कॉलम दैट बिकम्स द सेकेंड रो। ट्रांसपोज करने का मतलब है इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स सो वी गेट एडजॉइंट ऑफ बी इज 4-2-3-1। अब हम देख सकते हैं कि इसका शॉर्टकट जो है वो इसी से पता चलता है कि ओरिजिनल मैट्रिक्स और एडजॉइंट को जब हम कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि अगर हम ओरिजिनल मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगनल पे जो एलिमेंट्स है दैट इज 1 and 4 उसको इंटरचेंज कर दें सिंपली इंटरचेंज कर दें 4-1 एंड दूसरे वाले डायगनल पे जो एलिमेंट्स है -2 and -3 उसका साइन चेंज कर दें तो हमको एडजॉइंट मिल जाएगा। तो दिस इज वेयर द शॉर्टकट इज। इफ देयर इज अ मैट्रिक्स लेट से देयर इज अ मैट्रिक्स सी इक्वल टू स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी देन एडजॉइंट ऑफ सी अकॉर्डिंग टू दिस शॉर्टकट एडजॉइंट ऑफ सी जस्ट हमको क्या करना है ए और डी को इंटरचेंज कर देना है सो वी गेट डी एंड ए एंड बी और सी का साइन चेंज कर देना है -B - C। दिस इज हाउ वी गेट द एडजॉइंट इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स एडजॉइंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स।